हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/a² + x² का। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर सीधा x होता तो इसको हम t पुट कर कर सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर हम इसको x को यहाँ पर मैं पुट करूँगा ये इंटीग्रेशन करने के लिए। x = a tan θ पुट कर लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर एक्स की जगह अभी मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा जो पुट किया है हमने इसका, क्योंकि हमें dx की भी वैल्यू चाहिए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो क्या होगा देखिए, d/dx, x का डिफरेंशिएट इक्वल ए हमारा कोस्टेंट है, d/dx tan θ। ओके, x का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1। ओके, इक्वल ए हमारा एज इट इज है, टेन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, थीटा, पहले थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा, फिर थीटा का हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा d θ/dx। ओके, देखिए dx को इस साइड लेकर आऊंगा मैं लेफ्ट साइड में, तो dx इक्वल यहाँ पर डिवाइड में, तो यहाँ पर 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा dx इक्वल ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा इंटू d θ। ओके, ये हमारी dx की वैल्यू है, तो ये हम इस इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं जो जो वैल्यू हमें मिली है। देखिए इंटीग्रेशन साइन हमारे पास अभी क्या है, पहले से 1/a² + x² * dx। अभी हमारे पास ये क्या हो जाएगा देखिए, 1/a की जगह हमने ए स्क्वेयर, तो हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है, x = a tan θ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वेयर है तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं a tan θ इसका स्क्वेयर। ओके, इंटू dx की हमें क्या वैल्यू मिली है, यहाँ पर ये वैल्यू मिली है, तो dx की जगह लिख देता हूँ मैं a sec² θ * d θ। ओके, अगर मैं इसे अच्छे से लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन साइन a sec² θ * d θ यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, और डिवाइड में देखिए यहाँ पर ए स्क्वेयर है प्लस में, यहाँ पर इन दोनों का स्क्वेयर अलग अलग कर लेता हूँ, ए का स्क्वेयर अलग करूँगा मैं और टेन का स्क्वेयर अलग कर लेता हूँ। ओके, tan²θ, यहाँ पर भी ए स्क्वेयर है, यहाँ पर भी ए स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर को मैं कॉमन निकालूंगा, ऊपर ये भी ए है, ये भी ए को मैं बाहर ले लेता हूँ, और इंटीग्रेशन साइन और ए स्क्वेयर यहाँ पर डिवाइड में भी ए स्क्वेयर को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ऊपर हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर sec²θ, और डिवाइड में यहाँ पर इसकी जगह हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 1, और प्लस में हमारे पास क्या है tan²θ। ओके, इंटू है d θ। देखिए वन प्लस tan²θ होता है sec²θ। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डिवाइड में पुट कर देंगे, ये ऊपर a और नीचे a का स्क्वेयर है, तो एक a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 1/a, और इंटीग्रेशन साइन sec²θ, और डिवाइड में 1 + tan²θ क्या हो जाएगा हमारा sec²θ। ओके, d θ, ये sec²θ से ये sec²θ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, बाहर 1/a, 1 × 1 ही बचेगा, d θ। 1 का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो 1/a, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा थीटा प्लस में cosec। ओके, ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया है।
अभी हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगी, पहले ए को मैं लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टेन थीटा। अभी मैं टेन को भी इस साइड लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल थीटा। ओके ये हमारी थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ओके तो ये हम थीटा की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखिए वन अपॉन ए बाहर है और थीटा की हमारी क्या वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में हमारे पास क्या है कोस्टेंट सी। ओके तो यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की। ओके तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।